अगर तुम ये एनीमे देखने वाले हो तो गूज़बम्प्स के लिए रेडी रहना, क्योंकि काफी भारी मात्रा में मिलेंगे। एक्शन, मिस्ट्री, रोमांस, ड्रामा, फैंटेसी, हाई स्कूल, हर तरह का एनीमे लेके आया हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 एनीमे के बारे में बात करेंगे। और यार, जिन एनीमे का मैं आज इस वीडियो में नाम लूंगा, अगर तुमने इनमें से कोई एक भी नहीं देखा तो यार अब देख लो, क्योंकि ये 5 के 5 एनीमे अपने अपने जॉनरा में बेस्ट है। नंबर 5, ओवर द स्काई। दो बेस्ट फ्रेंड मियो और अराता दोनों टोक्यो में रह रहे हैं। मियो के दिल में अराता के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं और ये बात अराता नहीं जानता, लेकिन आज इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए हैं। थोड़ी देर में मियो को थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है और वो सॉरी बोलने के बहाने अराता को अपनी फीलिंग्स बताने जा रही है, लेकिन उसका रास्ते में ही कार एक्सीडेंट हो गया है और वो वापस से अपने घर चली गई है। अगले दिन स्कूल में सब नॉर्मल चल रहा है, उन दोनों की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही देर बाद मियो एक ऐसे डोर के पास पहुंच गई है जिसके उस तरफ वो दुनिया है जैसी वो हमेशा से चाहती थी, और इस तरफ वो लड़का है जिसको उसे अपनी फीलिंग्स बतानी है। लेकिन प्रॉब्लम है, वो हर मिनट हर सेकंड अपनी मेमोरीज भूलती जा रही है। उसे ये तो याद है अराता एक लड़का है, लेकिन उसे ये नहीं याद उसको अराता को क्या बताना है, और अगर उसे ये याद नहीं आया तो उसको ना चाहते हुए भी उस गेट के उस पार जाना होगा। ये एक फैंटेसी रोमांस मूवी है, इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, बस बीच में इसको बंद मत करना, थोड़ा स्लो फील होगी लेकिन बाद में ये पूरा पे करेगी तुमको। नंबर 4, रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। हाई स्कूल स्टूडेंट साकुटा को एक लड़की बनी गर्ल के ड्रेस में लाइब्रेरी में घूमती दिख रही है और कोई भी उस पर उसके अलावा ध्यान नहीं दे रहा, जैसे वो लड़की सबके लिए इनविजिबल हो, और यही रियलिटी है, वो सिर्फ इसको ही नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों है ये तुम एनीमे देख के पता लगाना। ये एनीमे तुमको इसके पोस्टर और नाम से तो एक हाई स्कूल रोमांस एनीमे लग रहा होगा, लेकिन ये एनीमे एक जीता जागता एग्जांपल है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। इस शो के पोस्टर में तुमको बनी गर्ल दिख रही होगी, नाम में भी बनी गर्ल लगा हुआ है, लेकिन ये शो बनी गर्ल से ज्यादा टीनेजर्स की लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करता है एक फैंटेसाइज वे में। चलो एक बार वो सबको साइड कर दिया जाए तो हम तो इसको फिर भी बनी गर्ल के लिए ही देखेंगे। नंबर 3, लिकोरिस रिकॉइल। ये एनीमे यार इन 2 सालों का सबसे बेस्ट एनीमे है एक्शन जॉनरा के अंदर, और इसकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है, तो इसको हल्के में मत लेना। अंडरकवर टीनेज गर्ल्स सारे शहर में घूम रही हैं स्कूल स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में। फर्क सिर्फ इतना है, इनके बैग के अंदर बुक्स की जगह गन्स हैं। इन्हीं गर्ल्स में से टाकिना और चिसाटो इस एनीमे की प्रोटैगनिस्ट हैं। टाकिना एकदम सीरियस गर्म दिमाग की लड़की है, अगर उससे कोई भिड़ा तो वो सीधा इस दुनिया के बाहर, और चिसाटो जो एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती है, उसका निशाना भी कभी ठीक से नहीं लगता, फिर भी वो सबसे बेस्ट है क्योंकि वो बुलेट्स को डॉज कर सकती है। सामने से एक बंदा फायर करने जा रहा है और सारी गोलियां इसके बालों से होके जा रही हैं। ये अपने आप में सबसे कूल चीज थी देखने में, लेकिन जहाँ टाकिना किसी को माफ नहीं करती, वहीं चिसाटो अपनी गन्स के अंदर फेक बुलेट्स इस्तेमाल करती है। अब ऐसा क्यों है वो किसी को क्यों नहीं मारती, ये तुम एनीमे देख के पता लगाना। नंबर 2, एंगेज किस। एक्शन, रोमांस, मिस्ट्री, फैंटेसी, ड्रामा, इस एनीमे के अंदर तुमको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर तुमको कोई ऐसा एनीमे देखना है जो एकदम कंप्लीट पैकेज हो तो ये वो एनीमे है। ये एनीमे तुमको इमोशनल करेगा, हंसाएगा और गूज़बम्प्स भी देगा। ओशियन के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल सिटी जिस पर 12 साल पहले पहली बार डीमंस का हमला हुआ था, जिसमें सू की पूरी फैमिली मारी गई थी। आज भी जब वो रात को सोता है तो उसकी बहन उसके सपनों में हेल्प मांगती नजर आती है, जो कि उसी अटैक में मर चुकी है 12 साल पहले। इसके पीछे की मिस्ट्री तुम इसको देखते वक्त पता लगाना। आज प्रेजेंट टाइम में सू एक कंपनी चलाता है इन डीमंस को खत्म करने के लिए, जिसके अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय है, वो भी इसकी गर्लफ्रेंड जो खुद एक डीमन है। वो इसकी हेल्प कर रही है इस सिटी से डीमंस को खत्म करने में, और इस काम में इन दोनों की मदद करती है इसकी एक्स। देख रहे हो मजे हैं इस लौंडे के। एक बात और, इस एनीमे के नाम पर मत जाना, इससे तुम जितना एक्सपेक्ट करोगे ये तुमको उससे ज्यादा डिलीवर करेगा, ये मेरी गारंटी है। वैसे इसके नाम का भी कोई मतलब है, वो तुम एनीमे में देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। नंबर 1 से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो में बोलता हूँ, कम से कम अब तो कर लो। अब अगर कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। नंबर 1, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अगर तुम्हारे पास काफी खाली टाइम है तो तुम इस एनीमे के साथ भी जा सकते हो। ये एक एक्शन रोमांस एनीमे है जिसके अंदर 4 सीजन्स हैं, जिनमें टोटल 96 एपिसोड हैं और 2 मूवी हैं, तो इसको देखने के लिए अच्छा खासा टाइम जाएगा। यार ये बहुत बड़ा शो है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जो 2 दिन में तुमको चैनल पर मिल जाएगी। तब तक तुम इतना समझ लो, अगर कोई एनीमे तुमको एक्शन के लिए देखना है तो ये तुम्हारे उस एक्शन वाले हंगर को एकदम पूरी तरह से खत्म कर देगा। चलो मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जिससे तुमको एक आइडिया लग जाएगा। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसके अंदर 10,000 प्लेयर्स फंस चुके हैं। अब वो इस गेम को तभी लॉग आउट कर पाएंगे जब वो इस कैसल के 100 फ्लोर्स को क्लियर करेंगे, जिसके हर फ्लोर पर एक बॉस होगा, और अगर कोई गेम के अंदर मर गया तो वो रियलिटी में भी मर जाएगा। अगर तुम ये एनीमे देखने वाले हो तो गूज़बम्प्स के लिए रेडी रहना, क्योंकि काफी भारी मात्रा में मिलेंगे। तो इसी के साथ बाय, इधर कहीं 2 वीडियो और आ रही होंगी, इंटरेस्टेड हो तो क्लिक करके उनको भी देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।